स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल GK with बिहार वाला में। इस वीडियो में हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित वो सभी प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और दोस्तों इससे बाहर आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये मेरा वादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल राज्यसभा में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 63। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 64। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 65। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है? तो अनुच्छेद 66 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल वर्णित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 67। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 68। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय उल्लेखित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 71 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। तो इसमें है उपराष्ट्रपतियों के क्रम। तो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इनके कार्यकाल 1952 से लेकर 1962 तक रहे थे। दूसरे नंबर पर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक रहा था। तीसरे नंबर पर थे वराहगिरी वेंकट गिरी, इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा था। चौथे नंबर पर थे श्री गोपाल स्वरूप पाठक, इनका कार्यकाल 1969 से 1974 ईस्वी तक रहा था। पांचवे नंबर के थे श्री वी डी जत्ती, इनका कार्यकाल 1974 ईस्वी से 1979 ईस्वी तक रहा था। छठे नंबर पर थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो कि इनका कार्यकाल 1969 से 1984 ईस्वी तक रहा था। सातवें नंबर पर श्री आर वेंकट रमणी, इनका कार्यकाल 1984 से 1987 तक रहा था। अगला है आठवें नंबर पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल 1987 ईस्वी से 1992 ईस्वी तक रहा। नौ नंबर पर थे श्री के आर नारायणा, इनका कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 ईस्वी तक रहा। अगला है दसवें नंबर के श्री कृष्णकांत, इनका कार्यकाल जो है 1997 ईस्वी से 2002 तक रहा। और ग्यारहवें नंबर के थे श्री भैरव सिंह शेखावत, इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा।
और 12वें नंबर के थे डॉक्टर हामिद अंसारी। इनका कार्य 2007 से 2017 तक रहा था। और 13वें नंबर के थे श्री एम वेंकैया नायडू। इनका कार्यकाल 2017 से 2022 तक थे। और अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़ है, जिनका कार्यकाल अब तक चल रहा है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए धन्यवाद।